विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है, इस टर्म को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन फिजिक्स, और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बात और, क्योंकि हम अभी चैप्टर को की शुरुआत कर रहे हैं, ये उस बिल्डिंग की नींव की तरह है जो अगर कच्ची रह जाए तो थोड़ा भी भूकंप आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट, शुरुआती कॉन्सेप्ट अगर हमारे वीक रह जाते हैं तो अगर थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन आता है, कुछ चेंजेस करके आपको दे दिया जाए, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में उसे सॉल्व ना कर पाए या आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाए। तो शुरुआती जो हमारा पेस रहेगा वो थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते चले जाएंगे, हम पेस भी अपना चेंज करते चले जाएंगे जैसे जैसे जरूरत होगी उसके अनुसार, और उसी के हिसाब से हम अपनी पूरी स्टडी को बेसिकली फ्रेम करेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं मोशन से। मोशन होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि वो मूव कर रहा है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक बैलेट डांसर है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे ये इसकी फर्स्ट पोजीशन हो गई, यहाँ पर इसको हम सेकेंड पोजीशन बोल सकते हैं। देखिए लोकेशन जो है चेंज हो रही है, पहले ये जो बैलेट डांसर जहां पर थी अब वहां पर नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज द थर्ड पोजीशन, एंड सिमिलरली यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे इंटरमीडिएट पोजीशंस भी होंगी, बट ठीक है अभी फिलहाल हम इसको सिर्फ ये समझने के लिए यूज कर रहे हैं इस डायग्राम को कि यहां पे पोजीशन में चेंज आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये बैलेट डांसर जो है वो मूविंग है, शी इज इन मोशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और हम अपनी डेली लाइफ में देखते रहते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या स्टेशनरी है, ऐसे हम देखते हैं। तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, दैट इज स्टेशनरी और एट रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट, तो कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होंगे, तो ये बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है। अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, ठीक। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर एक रोड पर, सपोज कीजिए ये कार है, तो हमें पूरी कार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल हम एक कार्ट ऐसे लेकर के इसको समझ सकते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर ये पार्क्ड है, सपोज कीजिए, तो क्या ये हम जैसे देखेंगे कि हम अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं कि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के चेंज तो टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन क्या ये कार्ट मूव कर रही है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? तो हम देख रहे हैं कि जिस पोजीशन पे ये पहले था, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम बोलेंगे कि मोशन नहीं है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी, ओके। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टेशनरी बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको एक बार क्लियरिफाई कर लेते हैं। देखिए चलिए, तो ये क्या हो गया, रेस्ट पर हो गया। अगर सपोज कीजिए यही जो कार्ट है ये मूव करने लगे, ये अपनी पोजीशन को चेंज करने लगे समय के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज मूविंग, ये मोशन में है। तो एक कार जो कि रोड पर चल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, वो मूविंग है, ठीक है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। और एक पार्क्ड कार क्या होगी, अगर हम एक पार्क्ड कार की बात करें तो वो क्या होगी, वो स्टेशनरी होगी। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगी स्टेशनरी, ठीक है। एक बॉल जो कि हमने हवा में उछाली, तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी thrown in the air, ये क्या हो जाएगी, ये मोशन में हो जाएगी या फिर मूविंग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब हम बॉल को थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो क्या होगा, उसकी पोजीशन में चेंज आएगा समय के साथ, फिर वो वापस नीचे आने लगेगी, तो हम बोलेंगे कि ये बॉल जो है ये मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप मेरे को एक, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा, अब आप मुझे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे उसका आंसर दीजिए। जो बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हैं क्या वो स्टेशनरी है कि मूविंग है? तो देखिए, अगर आपका आंसर है कि वो बिल्डिंग मूविंग है, तो आप जरा इस चीज को सोचिएगा, ठीक है। हम यहां पर स्क्रीन चेंज कर लेते हैं और एक और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक पिक्चर की मदद से हम इसको समझेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो जिस बिल्डिंग को की हम बात कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि उसको हम बोल सके बोले कि वो स्टेशनरी है, ठीक है।
जैसे कि ये देखिए जरा, हम सभी जानते हैं कि अर्थ जो है हमारी सन के अराउंड चारों तरफ मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ। ओके, अगर अर्थ स्टेशनरी नहीं है तो इसके ऊपर बिल्ट एक बिल्डिंग कैसे स्टेशनरी हो सकती है? जब पूरी की पूरी अर्थ मूव कर रही है तो वो कैसे स्टेशनरी हो सकती है? और अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक कार जो कि पार्क्ड है, उसको हमने बोला कि वो स्टेशनरी है क्योंकि वो पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन देखा जाए, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये जो क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो वो कार भी तो मूव कर रही है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। ओके, तो अब हम क्या कहें कि ये जो पार्क्ड कार थी या जो बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो स्टेशनरी है कि मूविंग है? और अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो क्या कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है? ये बात हमारे दिमाग में आती है, ठीक है? तो इस तरह से तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है ही नहीं। ओके, तो यहां पर मैं एक टर्म लिख रहा हूं, उसका मीनिंग भी हम डिफाइन करेंगे, और आप इसको जरा समझिए, एब्सोल्यूट रेस्ट। तो क्या किसी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट रेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है या बताया जा सकता है कि एब्सोल्यूटली ये चीज रेस्ट पर ही है? तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप देखेंगे तो उसकी पोजीशन अगर किसी और पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हो सकता है आपको वो मूविंग नजर आए। इसलिए एब्सोल्यूट यानी एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर नहीं बोला जा सकता। नेक्स्ट चीज है हमारे पास मोशन। अब मोशन क्या है? जब हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम इस अर्थ के मोशन को स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन को स्टडी करने का मीनिंग क्या है? मोशन को स्टडी करने का मीनिंग ये है और उसको समझने का मीनिंग ये है कि हम इसके बारे में प्रिडिक्ट कर सके, हम बता सके कि मोशन कैसे हो रहा है, कैसे इसका मोशन किस तरह का है अर्थ का, कि मतलब हम बता सके कि 10 दिन के बाद अर्थ अपनी पोजिशन से कहां पर आ जाएगी, कितने टाइम में कहां पर आ जाएगी, और जब यह यहां पर आएगी तो उसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली क्या होगी, साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सब बातें, तमाम बातें हम कर सके। देखिए ये जो टर्म्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह, ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, हमें फिर से यहाँ पे पढ़ना होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा उसको यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अपनी बेहतर समझ के लिए इसको। तो यहाँ पर देखिए, मोशन को समझने का मतलब ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सके, आप बता सके कि इसका मोशन किस तरह से रहेगा, बिना इसके एक्चुअली हुए, बिना इसके एक्चुअली हुए हम बता सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 365 दिन और 4 घंटे, जो अर्थ होगी वो क्या करेगी, 365 दिन और 6 घंटे में अर्थ जो होगी वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगी, इस समय में अर्थ यहां पर होगी, ये सब चीजें हम बता सकते हैं। तो मोशन को बताने का मतलब यही है कि इन सब चीजों को हम बता सके, डिस्कस कर सके, समझ सके, प्रिडिक्ट कर सके। तो अब हम बात करते हैं, देखिए रेस्ट की तो हमने बात कर ली कि एब्सोल्यूट रेस्ट तो हो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, ना ही हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पर होगा ही 100%। लेकिन अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मोशन की, क्या वो भी हम बता सकते हैं या ये भी पॉसिबल नहीं है? एब्सोल्यूट मोशन का मतलब सपोज कीजिए जो बिल्डिंग जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टेशनरी बोला था, अब हम उसकी स्पीड को बताना चाहते हैं, अगर हम उसकी स्पीड को करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं तो हम बोलेंगे क्या कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है और हम इसके मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं, सब कुछ हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो एब्सोल्यूट मोशन जो है यानी एग्जैक्ट मोशन जो है किसी बॉडी का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ट्राई करते हैं, देखिए तो सपोज कीजिए अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो हमने वो जो वेलोसिटी है इस बिल्डिंग की वेलोसिटी में इंक्लूड कर ली, साथ ही साथ ये जो अर्थ है ये चारों तरफ मूव कर रही है सन के, तो हमने वो वेलोसिटी भी इंक्लूड कर ली। अब दोनों वेलोसिटीज को मिला करके क्या हमें वेलोसिटी ऑफ बिल्डिंग मिल गई है? क्या हमें पता चल गया है कि बिल्डिंग की कितनी स्पीड से, कितनी गति से मूव कर रही है? तो इसका आंसर है नो। व्हाई? क्योंकि हमारा सन भी तो मूव कर रहा है ना, हमारी गैलेक्सी में जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें हमारा सन भी मूव कर रहा है, इसकी अपनी भी कुछ स्पीड है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं इसी के अंदर, इसी स्पीड के अंदर। तो अगर हम इसको इसके अंदर जोड़ लें तो अब क्या हम बिल्डिंग की करेक्ट स्पीड बता सकते हैं? तो आंसर इज अगेन नो, एग्जैक्ट स्पीड हम तब भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी तो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में मूव कर रही है, शूट कर रही है, ठीक है, तो वो स्पीड भी अगर हम जोड़ लें, लेकिन हमें पता नहीं है ऐसे कितने मोशन जो है यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है और एग्जैक्टली स्पीड क्या होगी। और जब हम ये नहीं बता सकते तो क्या हम एब्सोल्यूट एग्जैक्ट मोशन की बात कर सकते हैं? क्या हम उसको समझ सकते हैं? क्या हम उसको डिस्कस कर सकते हैं? तो ये भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर हमें समझ में आता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन तो कुछ होता ही नहीं है, उसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि ये ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पर है, ठीक है।
तो आगे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जब हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, तो हम एक दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखेंगे जहां पर आपको आप खुद कहोगे कि हम नहीं समझ पा रहे कि हम मूव कर रहे हैं कि हम स्टेशनरी है। ओके तो ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली डिफाइन करना इस कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब क्या, हम मोशन स्टडी नहीं करते हैं? मोशन तो हम स्टडी करते हैं, लेकिन अब जो स्टडी हम करते हैं ये होती है रिलेटिव स्टडी। देखिए इस कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए लेकिन आपको यही नहीं पता है कि आप मोशन को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये आप किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको वो चीज पता ही नहीं है और पूरा टाइम निकल गया आपका उसमें, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं फंसोगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं फिर, किसी चीज के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस एक हम चूज करते हैं और उस रेफरेंस की मदद से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेफरेंस की मदद से। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हो जैसे कि आप, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक कार जो पार्क थी वो स्टेशनरी है, एक बिल्डिंग जो आपने देखी वो स्टेशनरी है, और एक कार जो मूव कर रही थी, चल रही थी, आपने उसको बोला कि वो मूविंग है। एक बार वापस से इसको एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। तो यहां पर देखिए, आपके नजरिए से तो ये जो कार्ट था, ठीक है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना, अगर ये पार्क्ड है तो। बताइए, अगर सिर्फ आपके नजरिए की बात करें, आपके नजरिए से देखा जाए तो ये कार्ट तो स्टेशनरी है ना, ये थोड़ी कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके नजरिए से देखा जाए या आपके रेफरेंस में देखा जाए तो ये कार क्या है, स्टेशनरी है। हम वैसे इसको स्टेशनरी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आपके नजरिए से देखा जाए तो ये स्टेशनरी है। ठीक है, साथ ही साथ दूसरी एक और यहां पे कार पार्क्ड है, सपोज कीजिए, तो अगर आप इसके नजरिए से भी देख सके, सपोज कीजिए इसकी भी आंखें हैं, ये ऑब्जर्व कर सकता है, तो इसके नजरिए से भी अगर देखा जाए, यानी कि इसके रेफरेंस में देखा जाए, तो भी आपको क्या दिखेगा कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी क्या बोलेगा ऑब्जेक्ट, ये स्टेशनरी। तो फिर आप मूविंग कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे देखिए जरा, अब हम क्या करते हैं, स्क्रीन चेंज कर लेते हैं, तो अब हम मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो जैसे ये कार है, सपोज कीजिए आप रोड पर खड़े हैं, रोड साइड खड़े हैं, और आपने देखा कि एक कार जो है वो आपके पास सामने से निकल गई, आपके पास स्पीडोमीटर है कार की स्पीड चेक करने के लिए, आपने देखा कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका मतलब क्या है 50 किलोमीटर पर आवर का, इसका मतलब ये है कि अगर आपके नजरिए से देखा जाए, आपके रेफरेंस में अगर देखा जाए, तो इसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, लेकिन अगर हम रेफरेंस बदल दें, जैसे कि अगर हम ब्रॉडर वे में देख रहे थे, जब हम प्रीवियस यहां पर हम देख रहे थे, अगर हम इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज कीजिए सन के रिस्पेक्ट में देखें, तो अगर हम सन की जगह पर हैं, तो हमें क्या नजर आएगा कि अर्थ जो है वो मूव कर रही है हमारे चारों तरफ। तो अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए या सन के रेफरेंस में देखा जाए, तो हम ये वाली जो स्पीड है ना अर्थ की रोटेशन की अपने एक्सिस पे, और जो उसकी मूवमेंट की है सन के चारों तरफ, ये स्पीड और ये वेलोसिटी भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब भी आप बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या मोशन में है, तो वो किसी चीज के रेफरेंस में बताएंगे पहली बात, और जब आप रेफरेंस को फिक्स करेंगे कि ये रेफरेंस है, इसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आप बताओगे कि उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, ये सारे के सारे पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन किए जा सकते हैं, तभी बताए जा सकते हैं जब आप रेफरेंस फिक्स कर दें और उसी के हिसाब से बताए जाए। ओके तो हम जो है ये सारी की सारी स्टडी जो करते हैं किसी के रेफरेंस में करते हैं। तो जैसे हम जो कार की स्पीड ले रहे थे, या जब भी हम बोलते हैं इन जनरल कि ये कार मूविंग है, तो हमारा मतलब यही होता है कि इसकी स्पीड 50 की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेफरेंस में। तो हमने क्या मान लिया, ग्राउंड के रेफरेंस में ये कितनी है, 50 है। पर इतना बोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कॉमन अगर हम बात करें, कॉमनली अगर हम बात करें, या फिर हम इन जनरल बात करें हम, तो हमें तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट दिखते हैं ना, हमें कोई ग्राउंड थोड़ी मूव करता हुआ नजर आता है, तो हमें वो सब जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो हम आमतौर पर जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें से इस चीज को ओमिट कर देते हैं कि ये जो स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके तो इस हिसाब से हम जो स्टडी करते हैं वो रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं। रिलेटिव मोशन जो है बेसिकली हम स्टडी करते हैं। ओके और रिलेटिव मोशन को स्टडी करने के लिए हमें पता चल गया है कि हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए, और इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हमारा पूरा जो मोशन होगा वो डिफाइन। ठीक है, अब इस रेफरेंस को हम कैसे लेते हैं और इसके साथ क्या करते हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अभी फिलहाल के लिए हम ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, समझ चुके हैं, और अब हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, आसपास की जो चीजें हैं जो भी मूव कर रही है, जब हम मूव कर रहे हैं, कोई और मूव कर रहा है, और दूसरे मोशंस के बारे में जब भी हम सोचेंगे अब से अगली क्लास तक, तो हम यही सोचेंगे कि ये जो स्पीड है या ये जो मोशन है एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट है। तो उससे हमारा ये जो आइडिया है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और प्रैक्टिकली हमें पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है और क्यों हम एब्सोल्यूट मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं मोशन के बारे में, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द रेफरेंसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी हमारी अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।